Good morning everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and warm welcome to today's class. Today's class is about a foundation series which is going on on our Civil Staff Teaching Exam channel and Aaj Hamara topic, that is elimination reaction. So I hope that I'm clearly audible and visible to you. Besides my voice now, throat infection. But apart from that, clearly audible and visible who? ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट आर क्लास आई टोल्ड यू कि हमारी जो क्लास है दैट इज अबाउट फाउंडेशन सीरीज और टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन अब सी एस आई आर नेट केमिकल साइंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस मैं करा चुकी हूँ और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट कवर्स यू कैन से लाइक फाइव टू टेन नंबर्स इन एग्जाम है ना

टाइम निकल रहा है और टाइम आपके पास नहीं है है ना नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ना बच्चों जो तगड़ी प्रिपरेशन चाहिए एग्ज़ाम फाइट करने के लिए क्लियर करने के लिए सिक्स टू सेवन मंथ आर रियली रिक्वायर्ड तो अभी बिल्कुल टाइम नहीं बचा आपके पास जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए सो so दैट यहाँ पर आकर आप हम लोगों के साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर सकें ठीक है सो नाउ लेट स्टार्ट आर क्लास तो हमारी जो क्लास है इसमें मैंने आपको

सो वॉट इज द मेन प्रोडक्ट यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या है तो चलिए हम इसको आप उसे मिलकर सॉल्व करते हैं सो फर्स्ट आर रियाक्टेड इज दिस एंड वी हैव गिवेन अ बेस करेक्ट ठीक है तो देखो क्या होगा यहाँ पे जो बेस है इसका काम क्या होता है बच्चों Most acidic को abstract करना क्या करना मोस्ट एसिडिक एच को अपस्ट्रैक्ट करना तो जब यहाँ पर आप बात करें कि मोस्ट एसिडिक एच यहाँ पे आपको कौन सी दिखाई दे रही है राइट right? तो जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पर को काटो ओ एम ई को काटो ओ एम ई माइनस एज द भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है तो मोस्ट एसिडिक जब आप एसिडिक्रैक्ट करोगे तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक एच कौन सी है तो आप बोलोगे मैम दिस वन इज द मोस्ट एसिडिक एच इज हियर तो हिरो पे क्या होता है बच्चों जब मोस्ट एसिडिक एच यहाँ पे एब्सट्रैक्ट होती है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है ब्रोमीन ब्रोमीन प्रेजेंट है विच एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप बट ये भी एक हाइड्रोजन है जो कि क्या है यहाँ पे एसिडिक है अब देखो एक और चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि जब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो तो

एंड दिस इज ब्रोमीन ही अब क्या होता है ये बाहर निकलता है तो ये यहाँ पे एक हमारे पास इस तरीके की रिंग बन जाती बन जाती है ठीक है अब उसके बाद बेस ओ एम ई माइनस इज ऑल्सो प्रेजेंटर बेस इज ऑल्सो तो फिर क्या होता है यहाँ पर ये जब इल रिंग लेके ऐसे जाएगा तो यहाँ पे किसका अटैक होता है ओ एम ई माइनस का जब ये यहाँ से यहाँ जाता है तो क्या होता है थ्री मेंबर रिंग जो है ये भी क्या कर सकती है टूटेगी तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो यहाँ पर कमी आएगी इस कमी पे कौन अटैक करेगा ये तो दैट मीन्स हमको एक ऐसी फाइव मेंबर रिंग मिल गई जिस पर यहाँ पे ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है ये ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर आपको क्या मिल गया बच्चों देखो ये यहाँ से यहाँ गया गया और यहाँ पर देखो दोबारा से दिख लेते हैं ना दूसरे यहाँ पे मैं पेन से दिखा देती हूँ क्योंकि वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो इस ले लेते हैं हम यहाँ पे अब देखो ध्यान से हमारे पास क्या प्रेजेंट है ये प्रेजेंट ठीक है ये हमारे पास रिंग बन गई है और यहाँ पर बेस मतलब ओ एम ई माइनस का अब ये यहाँ जाएगा तो इसका क्या होगा अटैक होगा तो यहां से ये यह अटैक करेगा यहाँ पे और ये रिंग यहाँ से क्या हो जाएगी शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा डबल ठीक है तो मतलब हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलिए अब चलते एलिमिनेशन रिएक्शन पे व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन एवरीवन एलिमिनेशन reaction, है जहां पर कोई भी small molecule, like H2O, like hydrogen bromide, कोई भी भी इस एलिमिनेशन react, रिएक्शन में रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स पाया जाता है तो रिएक्शन विच एलिमिनेशन ऑफ अ लिविंग ग्रुप और स्मॉल मॉलिक्यूल टू फॉर्म अनसेटेड कंपाउंड मतलब यहाँ पर आपको एल्किन या एल्काइन कुछ भी अन कंपाउंड बनेगा तो इन एलिमिनेशन रिएक्शन एज यू कैन सी अ बेस इज रिटर्न दिस इज अ एक्स का मतलब है लिविंग ग्रुप एंड दिस इज हाइड्रोजन इन आल्सो हियर तो ये बाहर निकलता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देती है और आपको यहाँ पे एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है that means elimination reactions are the reaction by which we can form alkene to so, alkene formation ke liye bahut important kya ho jati hai elimination reaction theek hai now characteristic of elimination reaction kya hai elimination reaction कौन कौन सी होती है किस type की होती है उसकी क्या क्या characteristics हैं वो हम लोग देख लेते हैं तो दो टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है अल्फा और बीटा सबसे पहले सबसे पहले यहां से भी पहले दो टाइप की होती है अल्फा एंड बीटा देखो अब आपको मैं यहां पे बताती हूं कि अल्फा क्या होती है बीटा क्या होती है तो जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो एलिमिनेशन में एक होता है अल्फा एलिमिनेशन बच्चों जिसे वन वन एलिमिनेशन भी बोलते हैं ठीक है थीके? और एक होता है बीटा एलिमिनेशन जिसे हम वन टू एलिमिनेशन बोलते हैं ठीक है अब अल्फा एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जब लीविंग ग्रुप वैन लीविंग ग्रुप रिमूव्ड फ्रॉम सेम एटम एक ही एटम से लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो अल्फा एलिमिनेशन होता है और जब वन टू पोजीशन से लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन अब एग्जांपल देखो अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसी बेस से कराते हो तो आपको मिलती है डाईक्लोरोबीन ये जो है इसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन क्या बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन और जब आप का रिएक्शन बेस से कराते हो तो आपको मिलता है alkene. ये यहां, ये यहां से बाहर इसको बोलते हैं वन टू एलिमिनेशन ठीक है तो अल्फा एलिमिनेशन जो आप देखते हो बेसिकली वो आप कहाँ देखते हो बच्चों अल्फा एलिमिनेशन आपको दिखाई देता है बेसिकली किसी भी मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब आप बेस से आते हो तो वहां पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है डाईक्लोरोबीन तो जो कार्बीन बनी है ये किसका एग्जाम्पल है अल्फा एलिमिनेशन का तो अल्फा एलिमिनेशन एक ही एटम से निकलने वाले दो एक ही कार्बन से निकलने वाले ग्रुप अगर निकलेंगे एक ही पोजीशन से निकलेंगे तो अल्फा एलिमिनेशन वन टू तो पोजीशन से निकलेंगे तो बीटा एलिमिनेशन क्लियर नाउ

डिफरेंशियट करना सीखेंगे आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप E2, E1 यानी कि एलिमिनेशन और इसमें कैसे डिफ्रेंशियट करते हो क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बच्चों आपको जो रिएक्शन दी हुई है उसके अंदर आपको लगेगा कि एलिमिनेशन भी हो सकता है आपको लगेगा सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है बट हो क्या रहा है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि होने वाली चीज एलिमिनेशन है या सब्सटीट्यूशन क्योंकि दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होती है कौन कौन में सेम होती है एस एन वन और ई वन की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है ई टू और एस एन टू की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है बट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट अगर E2 पूछा है उस एग्जामिनर ने आप पहचान नहीं पाए आपने एस एन टू करा दी आपके लिए एस एन टू का प्रोडक्ट भी दिया है उसने ऑप्शन में तो वहाँ आप क्या हो गए नंबर गए समझ रहे हो तो इन चीजों से बचना है बचना है ठीक है ये आपका क्या है यहां पे रिएक्टेंट आपको इस तरीके से रिएक्टेंट मिलेगा अब हम बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन की अब हम जितनी भी बात करेंगे सारी बीटा एलिमिनेशन यानी कि वन टू एलिमिनेशन की हम बात करेंगे एक ब्रोमीन यानी कि हेलोजन से एडजस्टेंट वाले कार्बन कार्बन पर बीटा कार्बन जिसे बोलते हैं उस पर जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलती है हेलोजन है के साथ में इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन हेलोजन कंटेनिंग कार्बन को बच्चों बोलते हैं अल्फा कार्बन उसका एडजस्टेंट वाला कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन उसके पास वाले को हम बोलेंगे गामा कार्बन बट हमारे जो काम आने वाला है दैट इज अल्फा एंड बीटा क्लियर तो ये आपको बार बार मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है आप जानते हैं बीटा हाइड्रोजन क्या होता है जो हेलोजन के पास वाला कार्बन है बीटा कार्बन और उस कार्बन पे जो हेलोजन प्रेजेंट है उसे बोलते हैं बीटा हेलोजन फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दैट बीटा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड उसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि वो ही बाहर निकलता है द एनी बीटा हाइड्रोजन विल नॉट गिव एलिमिनेशन रिएक्शन ओके ठीक है चलिए आगे चलते हैं नॉट टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन ये हमने आपको पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ एक बार और हम देख लेते हैं ठीक है अगर मैं बात करूं यहां पे, तो दो टाइप की हो जाती है एक तो E1 और एक होती है E2। टू ईवन क्या होती है इवन एलिमिनेशन आप जानते हो कि ये होती है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है ये एक टू स्टेप मैकेनिज्म है ठीक है और इसके अंदर और बताइए क्या इंपॉर्टेंट है टू स्टेप्स में होती है और यहां पर स्लो और आरडीएस स्टेप्स डिपेंड्स करते हैं एट रियक्टेंटली करते हैं ठीक है E2, E2 जो होती है ये bimolecular reaction है और यहाँ पर वन स्टेप ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है दिस इज इसमें जो स्लो रेडियस स्टेप होता है मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है बच्चों एल्किलाइट के साथ साथ किस पे डिपेंड करती है बेस पे भी डिपेंड करती है है ना तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं ई टू और ये हो गई E1. तो मतलब ऑलमोस्ट ये चीजें हमने पढ़ी है एसन वन एंड एसन टू में भी पढ़ी है ना तो ये चीजें तो सेम होती हैं ये है हमारी ई वन और ई टू और ये हमको पढ़नी है नाउ E1 ई टू को पढ़ने से पहले दो रूल में आपको साथ में क्लियर करना चाहती हूँ जिससे हम हैं बोलते हैं रूल, और रूल. रूल ये बोलता है कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हो तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनती है बीटा एलिमिनेशन देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन टू टाइप ऑफ प्रोटीन इफ

वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वेयर द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल एल्कीन इज पॉसिबल दैट मीन्स मोर सब्सिट्यूट एल्कीन आर मोर स्टेबल एल्कीन जो ज्यादा सब्सटीट्यूट होती है बिकॉज ऑफ द एल्फाहाइड्रोजन दे आर मोर सब्सिट्यूटेड मोर स्टेबल सो आर मेजर प्रोडक्ट विल बी द एल्कीन विच हैज मोर सब्सटीट्यूशन इन इट ठीक है तो सिंपल सी बात है यही सेट जेफ रूल है आपको वो मेजर प्रोडक्ट बनाना है जहां मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन बन रही हो ठीक है तो ये इसकी डेफिनेशन यहां पे हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने दैट चलो इसको हम देखते हैं क्या लिखा है व्हेन एल्काइल हेलाइड हैव टू और मोर डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन देन मोर देन वन एल्कीन प्रोडक्ट इज फॉर्म इन सच अ केस द मेजर प्रोडक्ट इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट It means it is the more substituted double bond molecule. This phenomenon is called the Sartreff rule. Okay? Now let's see an example. You can see here that here this is our alpha carbon and we have here 3 beta carbon. That means we have here 3 beta hydrogen. You can see beta 1, beta 2, beta 3. Okay. अब ये जो बीटा हाइड्रोजन आपको बी, बीटा वन दिख रही है बीटा टू एंड बीटा टू दैट मीन्स यहाँ पे थ्री बीटा हाइड्रोजन ये दोनों सेम है ये दोनों क्या है सेम है सी एच टू सी एच टू सेम है तो हम इन्हें एक ही नंबर दे देंगे या तो आप ये निकाल दो या ये निकाल दो मतलब एक ही बात है अब ये जो आपको दिख रही है बीटा वन और बीटा टू ये दोनों डिफरेंट है अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट हम बनाए कि हमें मोर सब्सिट्यूटेड एल्कीन बने अगर मैं बीटा वन निकालती हूँ, तो मुझे मिलता है ये ये बीटा वन वाला प्रोडक्ट है अगर मैंने बीटा टू निकाली तो मुझे मिलता है ये ये बीटा टू वाला प्रोडक्ट है अब अकॉर्डिंग टू सेल्स रूल दैट मोर सब्सिट्यूटेड एल्कीन इट फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट नाउ हेअ दिस इज द मेजर प्रोडक्ट दैट मीन्स दिस इज आर प्रोडक्ट ये मेजर बनाइए माइनर है ये अकॉर्डिंग बना है क्लियर

तो आप वो बीटा हाइड्रोजन निकालो जिससे आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड लेस स्टेबल एल्कीन मिलेगी एज़ द मेजर प्रोडक्ट ठीक है तो देखिए सेम चीज है यहाँ पे अब आप मुझे बताओ इसी रिएक्शन में आपने मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाया है ये ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया बीटा वन वाला अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल क्लियर चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ई1 एलिमिनेशन रिएक्शन की इसकी मैकेनिज्म की इसको इसके जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवन ये सब हम पढ़ेंगे ठीक है तो इफ इवन मैकेनिज्म क्या होती है इसकी टोटल मैकेनिज्म कैसी है है ना और कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं ये सब अभी हम पढ़ेंगे तो देखो जो इवन मैकेनिज्म है सबसे पहले इवन रिएक्शन क्या होती है द फर्स्ट स्टेप विच इज अ स्लो स्टेप इट इज आर डी एस स्टेप ये फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट स्टेप एक आरडीएस स्टेप है स्लो स्टेप है दैट मीन द होल रेट ऑफ रिएक्शन इज बाय ओनली दिस स्टेप दैट्स वी कॉल इट रियक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज हमारी पूरी रिएक्शन सिर्फ इस स्टेप पे डिपेंड करती है ठीक है अब यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज ब्रेकिंग हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन सो यू कैन सी दैट क्लोरीन बाहर निकल रहा है और आपको एक कार्बोकेटाइन बन रहा है न ना कार्बोकिटाइन इज एसपी टू हाइब्रोडाइज एंड इट्स अ प्लेनर स्पीशीज अब इस कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन है या नहीं देखिए ये ये अल्फा है ये तो खुद ये तो खुद अल्फा है ना वी हैव थ्री वन टू थ्री तो बीटा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है एंड ऑल आर द सेम किसी से भी हाइड्रोजन निकाल दो एक ही बात है तो यहाँ पर आपने ये जब हाइड्रोजन दूसरे स्टेप में इन द सेकेंड स्टेप विच इज फास्ट यहाँ पे एच प्लस बाहर निकलेगा और हमको ये क्या मिलेगी हमारी एलकीन मिलेगी विच फॉर्म इज अजर प्रोडक्ट ठीक है बच्चों समझ में आया तो ये था हमारा इवन एलिमिनेशन मिकेनेजम नाउ नाउ लेट सी दियोरी पार्ट

देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बोकिटाइन बन रहा है यू हैव टू चैक द रीअरेंजमेंट रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जब भी कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन चेक करनी ही करनी है मतलब दैट उस कार्बोकेटाइन से स्टेबल अगर कोई कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको तो बना दो फिर प्रोडक्ट बनाओ है ना तो ये चीज याद रखनी है नाउ उसके बाद क्या होता है सेकेंड स्टेप में द रिमूवल ऑफ एच प्लस आयन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन नाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन सी एच थ्री सी यानी कि एल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करती है डिपेंड्स ओनली अपॉन वन मॉलिक्यूल दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनी मोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है क्लियर हुआ ओके okay. नाउ फॉलो करती है तो आप बोलोगे मतलब, हमेशा एक more substituted बनाएंगी तो देखो बच्चो यहाँ पे आपको अल्फा कार्बन दिख रहा है एक बीटाइडा बीटा, एक बीटाइड कार्बन ये एक बीटा हाइड्रोजन ये ये दोनों पॉसिबिलिटी है बीटा हाइड्रोजन की मतलब दो एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट एलिमिनेशन का मिलेगा अब कौन सा बनाए आपको पता है इवन एलिमिनेशन फेवर करती हैं रूल को तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन बनानी है यहां से बच्चों हाइड्रोजन निकालोगे तो ये यह यहां पे जाएगा तो ये बनेगी लेस सब्सिट्यूटेड एल्किन खुद देख लो आप यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है सी एच टू सी एच टू ये लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किन है सॉरी अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकालते हो इसको निकालते हो तो क्या बनता है यहाँ पे ये बनती है अब आप देखो इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक सी एच थ्री एक सी एच थ्री एक सी एच थ्री तो यहाँ पे तीन सी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है दैट मीन्स ये क्या है बच्चों मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ना तो दैट मीन्स ये क्या है बच्चों मोर स्टेबल एल्कीन है ठीक है क्लियर समझ में आया तो इस तरीके से आपको इवन मैकेनिज्म को करना है नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एन इवन रिएक्शन विच विच टाइप ऑफ फैक्टर्स कैन अफेक्ट अ इवन रिएक्शन नाउ लुक व्हेन वी इंक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम वन डिग्री टू थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइट यू कैन सी वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अल्काइल हेलाइट्स आर हियर So when we go from left to right here, 1, 2, 3, the carbocation stability increases, and that much we know, and I have already explained it to you. I have already told you that stability of intermediate class. Hai na. So here the carbocation stability increases. That means that carbocation. स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ओनली डिपेंड्स द दैट मींस अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवन भी इंक्रीज होगी सो हमारी रेट जो है इवन की, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो के क्लियर ठीक है नाउ वीकर बेस फेवर इवन मैकेनिज्म जो वीकर बेस होते हैं बेस दो टाइप के होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीकर बेस नाउ यू शुड नो द डिफ्रेंसिएशन इन बिटवीन द

आरडीएस स्टेप है जब भी किसी आरडीएस स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बाउंड टूटेगा कार्बन हाइलोजन बॉन्ड टूटेगा चाहे वो एस एन वन हो चाहे वो ई वन हो जब भी आर डी एस स्टैप में कार्बन हाइलोजन बॉन्ड टूटेगा दैट मीन्स कि लीविंग ग्रुप वो बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा उस रेट की रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी समझ रहे हो आप चाहे आप कोई भी रिएक्शन पढ़ रहे हो लेकिन आर डी एस स्टैप में कार्बन हाइलोजन बॉन्ड टूट रहा है दैट मीन्स वो बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी यहाँ पे भी बढ़ेगी एस एन वन में भी बढ़ेगी सब जगह बढ़ेगी दैट मीन्स लीविंग ग्रुप जितनी जल्दी बाहर निकलेगा हमारा इंटरमीडिएट उतनी जल्दी बन जाएगा हमारे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा हो जाएगी समझ में आया तो, ये यह वाला यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉइंट क्लियर द टाइप ऑफ सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विच कैन स्टेबिलाईज द आयोनिक इंटरमीडिएट आर फेवर्ड इन रिएक्शन ये सेम

डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट एज वेल एज द रिएजेंट है ना बिकॉज इन दिस मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन द रेट डिटर्मिन स्टेप द रिएक्टेंट एज वेल एज बेस इज प्रेजेंट ठीक है तो ई टू रिएक्शन हो गई अब काइनेटिक्स देख लेते हो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है मोर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइट जल्दी रिएक्शन करेगा अब ई टू में एसन टू में ये डिफरेंस है नोटेड डाउन इन एसन टू देखो बच्चों जब भी एसन टू और ई टू पढ़ रहे हो तो एक साथ कंपेयर करके पढ़ा करो ताकि क्लियर हो कोई कंफ्यूजन नहीं हो है ना ये जो रिएक्शन है हमेशा कंफ्यूज करती है अब एसन टू में क्या था बच्चों की उसमें था कि जो वन डिग्री वाला होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है फिर टू कम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एल्काइल हेलाइट फिर टू डिग्री एल्का हेलाइट कम रिएक्टिव है थ्री डिग्री एल्काल हेलाइड एसन टू देता ही नहीं है जबकि E2 में थ्री डिग्री एल्काइल हैलाइड और टू डिग्री और वन डिग्री मतलब ई और E2 रिएक्शन के लिए अल्काइल की रिएक्टिविटी बच्चों सेम है ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ द बेस जो स्ट्रॉगर बेस होगा वो फेवर करेगा अब यहां पे चेंज है ई में वीकर बेस फेवर करता है ई टू में स्ट्रॉन्गर बेस फेवर द रिएक्शन बेटर लिविंग ग्रुप लीड्स टू द फास्टर रिएक्शन री ये तो सबके लिए अप्लाई होता है आपको पहले ही बताया मैंने कि अगर आपका लिविंग ग्रुप अच्छा है जल्दी बाहर निकल रहा है तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बढ़ेगी प्रोडक्ट के बनने के चांसेस बढ़ेंगे

कोई भी बेस आप ले लोगे स्ट्रांग बेस लेना है जैसे कि आपने ले लिया के ओ एच अब आप क्या करोगे जब भी आपको इस तरीके की दिखेगी ये अल्फा कार्बन है आप बोलोगे अल्फा हो गया ये बीटा हो गया बीटा हो गया बीटा हो गया अब आपको यहाँ पे एक से ज्यादा बीटा दिखाई दे रहे दिखाई दे रहे ना और यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा और आपको मिलेगा ये और ये प्रोडक्ट तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनाओगे बच्चों तो आप बोलोगे मैम E2 E2 भी होती हैं और वो formation of that, that product का formation क्या करती है? Favor करती है? है। तो ये चीजें हो गई। अब E2 के अंदर आपको बहुत सारे exceptions मिलेंगे। मतलब कंडीशन होती है इसके अंदर कि अगर ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो सेफ से नहीं होमोहफमोन मेजर हो, 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 बनेगा अगर इस वाला लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो हॉफमोन मेजर बनेगा ठीक है दैट मीन्स अगर हम बोले कि जनरली ई टू फेवर जैस प्रोडक्ट मोर सब्सटीट्यूटेड बट इफ दिस काइंड ऑफ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट दैट इन दैट केस हॉफमोन प्रोडक्ट इज फेवर्ड ठीक है तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से लिविंग ग्रुप होते हैं नाउ यू कैन सी ह्योर द रेट विच इज अलो स्टेप आरडीएस स्टेप तो रेट डिपेंड्स अपॉन दिस एज वेल एज दिस दैट मीन्स इट्स अ बाईमोलिकुलर रिएएक्शन द रियक्शन इज कंसर्टेड कंसर्टेड का मतलब होता है कि एक ही स्टेप है बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द बोथ थिंग्स टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम दैट वी कॉल कंसर्टेड रिएक्शन ओके नाउ ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्मड इन अ सिंगल स्टेप एक ही स्टेप में सब होता है उसे हम हमेशा कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं ईटर रिएक्शंस आर रेजियोसेलेक्टिव अब रिजियोसेलेक्टिव भी अगर घूम रहा है दिमाग में कि ये क्या होता है मैम तो ये भी सुन लो आप रिजियोसेलेक्टिव का मतलब होता है कि पोजीशन को चूज करना कि कहां मॉलिक्यूल के अंदर हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे ये जो एल्कीन बन रही है बच्चों इसकी पोजीशन चूज करना मतलब कि एल्कीन मेजर बनेगी ये मोर सब्सिट्यूट बनेगी या माइनर सब्सिट्यूटिड बनेगी मतलब तो ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा या ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा इसे हम बोलते हैं ठीक है तो ये क्या बनाती है मोर सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाती है अब नीचे देखिए पे दिखी हुई है दिस इज क्या हो रहा है देखो जैसे ही ब्रोमीन बाहर निकला एच ने भी अपने

रिएक्शन एवरी वन नाउ द फैक्टर्स द रेट ऑफ इ टू रियक्शन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं द रेट ऑफ इ टू रियक्शन ये देख लेते हैं हम अब देखिए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं ठीक है द बेस अपीयर्स इन द रेट इक्वेशन आपने जो रेट इक्वेशन देखी देखी ना रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट एज वेल एज द बेस तो बेस आपकी रेट इक्वेशन में आ रहा है आ रहा है तो मतलब आपकी रेट को बेस भी अफेक्ट कर सकता है बिल्कुल कर सकता है that means the rate of the e2 reaction increases as the strength of the base increases hai na ab ye difference aa gaya e1 aur e2 mein yahan par base hai hamare rds step mein that means our rate of reaction depends upon base also so if we टेक st strong base, तो ज्यादा strong base लेंगे तो rate of reaction क्या होगी बढ़ेगी तो ये factor इफेक्ट करता है Now

ये वीक बेस इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे एच प्लस प्रेजेंट है देखो अल्कोहल एच के साथ एच टू ओ एच के साथ लेकिन जब मैंने यहां से H प्लस निकाल दिया दोनों में तो मुझे मिल गया OH एच माइनस ओ आर माइनस ये जो नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है कॉन्जुकेट बेस दिस एक्ट आज अस्ट्रॉन्ग बेस ये एक स्ट्रोंग बेस की तरह काम करता है नेगेटिव फॉर्म के अंदर याद रखना इस चीज को दिस इज अ वीक बेस

देर इज अ पार्शियल ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड लिविंग ग्रुप इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द बैटर द लिविंग ग्रुप द फास्टर द रिएक्शन ठीक है मतलब जैसे कि ये हमारा कार्बन है ये हाइलोजन है और ये यहां पे क्या प्रेजेंट है बच्चों ठीक है अब यहां हमारे पास कौन आ रहा है आपके पास आ रहा है बेस तो ये लिविंग ग्रुप ये वाला बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा ये वाला बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा ये जैसे ही बाहर निकलेगा निकला है ना बाहर सॉरी थोड़ा हम जज्बातों में बह गए ठीक है, है अब जैसे ही ये बाहर निकलेगा वैसे ही ये देगा इसका मतलब क्या है कि जब लिविंग ग्रुप बेटर होगा लिविंग ग्रुप की बेटर बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो ई टू रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी ये तो हमें पता है ना ये मतलब है इसका रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोज द ऑर्डर अब आप जानते हो कार्बन हाइलोजन बॉन्ड टूट रहा है देखो सब कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट रहा है तो कार्बन ही गायब हो गया बच्चों आ गया वापस आ गया वापस आ गया आ जाओ आप भी आ जाओ वापस देखो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है टूट रहा है ना ये वाला बॉन्ड टूट तोड़ दो इसको अब आप मुझे बताओ अगर ये बॉन्ड इजीली टूट जाए जल्दी से टूट जाए तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी ना इसका मतलब कि आर आई जब हम आयोडीन कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन ब्रोमीन बैंड कार्बन ब्रोमीन बैंड इज वीकर देन कार्बन क्लोरीन बैंड और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन फ्लोरीन बैंड तो दैट मीन्स हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ती है तो बॉन्ड भी वीक होता जाता है कार्बन के साथ दैट्स वाई दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द एल्काइल हेलाइट क्लियर समझ में आया सबको ये वाला जो बना हुआ है यहाँ पे ठीक है चलिए नाउ नाउलेट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड अब देखो अब एक हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कंपैरिजन के साथ की एस एन टू टू एस एन वन कुछ क्या दिया हुआ है एग्जाम में वो हम कैसे पता लगाएंगे तो देखो बच्चों जो एस एन टू ई टू है वो डिफर करती है कि आर ग्रुप अफेक्ट करता है रिएक्शन रेट पर डिफरेंस इन एसन टू एंड ई टू क्या था मैंने बताया था आपको कि के में होते मतलब एसन टू के लिए तो वन डिग्री एल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव है लेकिन एस ई टू के लिए ई टू के लिए थ्री डिग्री एल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव है मतलब इन दोनों के लिए जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी As the number of R group on the carbon with leaving group increases, the rate of E2 increases. अब इधर देख रहे हो आप यहां से यहां जा रहे हो तो E2 बढ़ रहा है यहां से यहां जा रहे हो तो एज एन टू बढ़ रहा है है ना मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए इनवर्स हो गए अपोजिट हो गए तो अगर एग्जाम में आपको ये दिया हुआ है बच्चों देखो आपने एग्जाम में दिया हुआ है और आपको यहाँ पे लिख दिया के ओ एच ठीक है क्या लिख दिया के ओ एच अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ साथ के साथ अगर एक्वस के ओ एच लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है एक्वस के ओ एच लिखा हुआ है तो ये क्या देगा सब्सटीट्यूशन देगा क्या देगा बच्चों एक्वस के ओ एच देता है सब्सटीट्यूशन और एल्कोहलिक KOH क्या देता है बच्चों आप बोलोगे मैम ये देता है एलिमिनेशन चलो ऐसे हम पढ़ाते हैं ना तो अचानक से याद आ जाती इंपॉर्टेंट चीजें तो इस पे डालो बच्चे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आपके हर जगह हर एग्जाम हर उसमें काम आएगा आपको दिया होता है अल्कोहलिक के वैच और आपको दिया होता है एक्व्यूएच जब आप एफ जी आई करते हो इंटर इंटरकन्वर्जन करते हो तो बहुत काम आता है ना तो देखो यहाँ पे जब ये आएगा तो सब्सिट्यूशन करा दोगे ये आएगा तो एलिमिनेशन करा दोगे सपोज उसने आपको उसने क्या किया उसने बोला कि आप लोगों के लिए उसने क्या किया उसने कुछ नहीं लिख के दिया उसने कुछ भी नहीं लिखा उसने लिख दिया KOH अब क्या करोगे उसने मेंशन ही नहीं किया कि एक्वस है कि अल्कोहलिक है अब क्या करोगे अब सब्स्टिट्यूशन कराओगे कि एलिमिनेशन कराओगे अब इस कंडीशन में बच्चों आपको दूसरा फैक्टर काम करना है क्या याद करना है आपको याद रखना है कि अगर मैं SN2 कराऊंगा तो मैं जानता हूं कि SN2 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में नहीं होती लेकिन अगर मैं ई टू करा दूं तो मैं जानता हूं कि थ्री डिग्री अल्केलेड में ई टू होती है है ना समझ में आ गया आपको तो ये वाली चीज थे अब यहाँ पे आप क्या कराओगे बच्चों अब आप बोलोगे मैम अब तो हम ई टू करा देंगे कि यहां तो निकलेगा। <coughs> ये यहाँ से हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन कोई सा बीटा हाइड्रोजन निकाल दो, दो सारे के सारे सेम है और आप मिल जाएगा समझ में आ गया क्लियर चलिए। नाउ आगे चलते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इटो रिएक्शन अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है अपना देखो क्या बोल रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इटो रिएक्शन अब स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या मतलब है सॉरी स्टीरियो के का मतलब है जब आप बात कर रहे हो कि आपको दिया हुआ है आपको ट्रांस दिया हुआ है आपको प्रोडक्ट बन रहा है आपका प्रोडक्ट ट्रांस बन रहा है मतलब कन्फिग्रेशन को मेंशन करके रिएक्टेंट में अगर पूछा गया है और प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है उसमें स्टीरियो पूछिए आपसे कि भाई बताओ प्रांस बनेगा सिस बनेगा तो आपको स्टीरियो की बात ध्यान में रखनी है अब ईटू रिएक्शन के लिए स्टीरियो कैसे काम करती है वो हम अभी चेक करते हैं बच्चों देख लो आप लोग यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको दो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही है यहाँ पे ये अल्काइल हेलाइड है जिसके पास ये आपको अल्फा कार्बन है ये बीटा कार्बन दिख रहा है और ये आपको एक बीटा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा है निस हाइड्रोजन एंड दिस हेलोजन दीज आर एंटी एंटीपेप्लेनर क्या है बच्चों इस कंडीशन को जिस कन्फिग्रेशन में ये लिखे हुए हैं उस को हम बोलते है, क्या बोलते हैं क्या एंटी पैरिप्लेनर देखिए ये वाला हाइड्रोजन ये वाला आ, आ, जो हेलोजन और हाइड्रोजन है ये दोनों क्या है है तो सेम ही प्लेन में लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है मतलब एंटीपेरिप्लेन दो डिफरेंट प्लेन में है एक ऊपर एक नीचे ठीक है तो इस तरीके का जो एंटीपेनर बोलते हैं अगर दोनों same side हो, same plane में present है, तो इसको बोलते है, क्या बोलते हैं हैं? क्या और जो ऑपोजिट प्रेजेंट होते हैं तो क्या बोलते हैं एंटीपेनर नाउ फॉर एलिमिनेशन द कंफिग्रेशन या जो, इनके जो कंडीशन है वो एंटीपेनर होना चाहिए फॉर यू टू एलिमिनेशन हाइड्रोजन एंड हेलोजन द बोथ मस्ट प्रजेंट एट एंटी पैरिप्लेनर पोजिशन तो यू कैन सी ये दोनों एंटी पेरीप्लेनर प्रजेंट है हाइड्रोजन एंड हैलोजन आर ऑन ऑपोजिट साइड दिख रहा है आपको अब ये जो हाइड्रोजन और हेलोजन है बच्चों ये प्रेजेंट तो एक ही प्लेन पे है लेकिन ऑपोजिट है ऑपोजिट प्रेजेंट है ना ठीक है अब इधर आ जाओ ये जो कंडीशन आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं सिन पैरी प्लेनर देखो ये हाइड्रोजन ये हाइलोजन दोनों सेम साइड प्रेजेंट है इसे बोलते हैं सिन पैरी प्लेनर ठीक है हाइड्रोजन हाइलोजन ऑन द सेम साइड तो याद किया आपने समझ में आया कि तीन पैरिप्लेनर क्या होता है एंटीपेरिप्लेनर क्या होता है अब आप लोग सुनते हो कि ई टू आप लोग करते हो आप बोलते हो एंटीपेनर लेकर आओ दोनों को दोनों एंटीप्लेन पैरिप्लेनर होने चाहिए लेकिन होता क्या है एंटीपेप्लेनर दैट इज इफ योर हाइड्रोजन एंड योर लिविंग ग्रुप दे बोथ शुड शुडंट साइड ठीक है क्लियर दैट मच इज क्लियर चलिए now you can see a cyclohexane can you see a chlorocyclohexane can you see everyone and this sign this sign is known as flipping kya bol rahe ho flipping to तो jab hamari chlorocyclohexane mein flipping hui to wo isme convert ho gayi Convert हो गई अब बच्चों flipping क्या होती है देखो <laughs> Flipping का मतलब होता है ये है ना equatorial position पे है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजिशन और अब हमारी क्लोरिन पहुंच गई एक्सियल पोजिशन पर तो बच्चों द कंटिन्यू कन्वर्जन ऑफ अ साइक्लोहेक्सन इंटू अदर साइक्लोहेक्न These are the conformers, and at the room temperature, they can convert into from one form to other, from one chair form to other chair form to gain some more stability. We call it flipping. This flipping is In the position of bonds changes. A position of bond how this equatorial, and this is Axial. Mein. That means axial bond becomes equatorial and

वो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा जहां पे आपका क्लोरीन कम रिपल्शन दे दैट दिस इक्वेटोरियल यू सी हियर देर इज नो रिपल्शन ऑफ दिस क्लोरीन फ्रॉम द अदर ठीक है लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे ये बोलू कि यहाँ पे ये क्लोरीन इक्वेटोरियल प्रेजेंट है है ना कहा प्रेजेंट है एट द एक्सियल अब ये जो एक्सियल है ये क्या होगा यहाँ पे वन थ्री डाइ एक्सियल इंट्रैक्शन ये जो वन थ्री इंट्रेक्शन होगा दैट इज ये क्या है एक तरीके का रिपल्शन है इस रिपल्शन से क्या होगा बच्चों ये क्या बन जाएगा लेस स्टेबल ठीक है इसलिए आपको ये जो साइंस दिखाई दे रहा है ये ज्यादा इधर है इधर कम है। मतलब ये ज्यादा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में में कम एक्जिस्ट करता है ये समझ में आ गया तो इसको मैं बिता रही हूँ आप उतार लेना बाद में पॉज करके यहाँ पे ये ऐसे है इसका एंटीप्लेनर प्लेर होता है ऐसे। ये निकला, ये निकला, और हमको बच्चों एक साइक्लोहेक्सेन मिल गई समझ में आया आपको कि एंटीपेनर कैसे निकलता है अब अगर इस कंडीशन में आप बात करो एंटीपेनर इसका एंटीप्लेनिप्लेनर ये होता है और ये होता है मतलब बॉन्ड के कार्बन होते हैं हाइड्रोजन नहीं होता दैट मीन इस कंडीशन में ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगी लेकिन इस कंडीशन में ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगी समझ में आ रहा है ठीक है चलिए नाउ द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन डीहाइड्रोहैलोजनेशन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं माइनस एच एक्स ऑफ़ वन क्लोरो टू मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं डिस्कस करते हैं कि कैसे एलिमिनेशन हो रहा है नाउ लेट्स सी यू कैन सी हो दैट दिस इज आर अलोरिन एटम जो बाहर निकलेगा अब ये अल्फा है, बीटा बीटा, बीटा हाइड्रोजन ठीक है तो बोथ बीटा हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप्स तो उनमें से कौन सी निकालेंगे ये पता करना है अब देखो इसका एंटीपेरिप्लेनर कौन सा होगा तो एक तो ये एंटीपेरिप्लेनर है है ना इसका एंटी पैरिप्लेनर भाई रुक जा ये एंटीपेरिप्लेनर का ये एंटीप्लेप्लेनर और इसका एंटीपेप्लेनर ये है मतलब दो बीटा हाइड्रोजन एंटीपेरिप्लेनर पे प्रेजेंट है अब हम एलिमिनेशन करेंगे तो कैसे करेंगे देखो या तो ये वाला निकाल दो या ये वाला निकाल दो कोई सा भी निकाल दो तो जब आपने ये वाला निकाला मतलब मैं डाल देती हूँ ए और बी मैंने डाल दिया ए और इसको डाल दिया बी अगर आप अल्फा ए वाला निकालते हो हाइड्रोजन ये 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 बन गया दिस। ये बन गया गई लेकिन ये more substituted नहीं है, ये less substituted है, है, है इसलिए क्या है बच्चों Minor product. अगर आप B वाला निकालो ये वाला, निकालोगे, ये बाहर ये बाहर, तो मतलब आपके पास ये बन गई दिस इज अब्सिट्यूटेड एल्कीन एंड मेजर प्रोडक्ट समझ में आया आपको ठीक है तो ये मैंने आपको एक स्टीरियो के रिस्पेक्ट में बता दिया कि अगर आपको साइक्लोहिंग बना के दे दे तो आप चेयर फॉर्म बनाओ चेयर फॉर्म बना के उनके एंटीपेरिप्लेनर हाइड्रोजन और क्लोरीन को लाओ और फिर आपको क्या करना है एलिमिनेशन फिर आप स्टीरियो बता सकते हो ठीक है नाउ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ ट्रांस वो क्या था बच्चों सिंस ट्रांस।, ट्रांस का मतलब ट्रांस का मतलब आपको ऐसे दिएगा क्लोरीन एंड सी एच थ्री ये दिया हुआ है आपको ये ट्रांस है तो ये दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करोगे आप इसका चेयर फॉर्म बनाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर one, two, मतलब अगर वन टू वन टू ट्रांस ग्रुप्स होते हैं तो वो एक्सियल एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल फ्लिपिंग में एक्जिस्ट करते हैं मतलब

केवल ही प्रोडक्ट मिलेगा दिस ओनली प्रोडक्ट नो माइंडर नो मेजर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा इसका मतलब इस टाइप के रिएक्शन को आप बोलते हो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन जिसमें आपको सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलता है क्या बोलते हो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्लियर ना स्टीरियो स्पेसिफिसिटी इन दू रिएक्शन जो मैं आपको बता चुकी हूँ ना उसी को स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कहते हैं डाय स्टीरो स्टार्टिंग कंपाउंड यहाँ पे क्या हो रहा है? रहा है है ये आपको दिख पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या है सिंह पैरिप्लेनर और हमें क्या चाहिए बच्चों एंटी पेरीप्लेनर अब एक और इंपॉर्टेंट जो नोट आपको डालना है दैट इज असाइक्लिक कंपाउंड का आप चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे इसको एंटी पेरीप्लेनर लेकर आओ एंटी पेरीप्लेनर ला के आपने निकाला फिर आपने प्रोडक्ट बनाया और आपका आ गया ट्रांस ठीक है अगर आपने सिन पेरीप्लेनर से ही निकाल के प्रोडक्ट दे दिया तो वो गलत प्रोडक्ट है क्योंकि आपको पहले उसे एंटी पैरीप्लेनर लेके आना है ठीक है अगर मान लो ये दिया हुआ है आपको फिर आपने एंटी पेरीप्लेनर किया उसके बाद प्रोडक्ट बनाया और आपका आ गया सिस दैट मीन्स ये बनाने के बाद बताएंगे सिस आयाई की ट्रांस आया है पहले हम एंटी पैरिप्लेनर लेकर आएंगे किसको हाइड्रोजन और ब्रोमीन को उसके लिए हम चेंज करेंगे उनको घुमाएंगे देखो इसको पकड़ के नीचे लेकर आई तो ये बाकी के ऊपर चले गए है ना तो दैट इज द डिफरेंस डिफरेंशिएट बिटवीन एस एन वन एस टू ई वन एंड ई तो इस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे देखो थ्री डिग्री एल्काइल हेलाइड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ई टू होता है वीक न्यूक्लियोफाइल और बेस के साथ में मिक्सचर होते हैं एस एन वन और एस एन ई टू वन के वन डिग्री एल्लाइट कौन देगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2 देता है स्टेरिकली हिंडर्ड बेस के साथ एलिमिनेशन भी हो सकता है टू डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस न्यूक्लियोफाइल के साथ एस एन टू टू दोनों होते हैं ठीक है अगर स्ट्रॉन्ग स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है तो एलिमिनेशन होती है

एलिमिनेशन तो हो ही रहा है लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो एलिमिनेशन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन दैट व्हेन है कम्बाउंड बेरिंग पुअर लिविंग ग्रुप एंड एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास लिविंग ग्रुप बहुत पुअर होते हैं और एसिडिक ग्रुप मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इसके रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करानी पड़ती है तब जाके ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है अब देखिए आपको अगर इस तरीके की कोई कंडीशन मिलती है मतलब बीटा कार्बन पे बहुत सारे इलेक्ट्रोन विद्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है क्लोरीन 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 फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन तो आपको क्या करना है बेस लेना है वो जो बेस है वो नेगेटिव लेके आएगा फिर वो नेगेटिव यहाँ पे जाएगा हाइलोजन बाहर निकलेगी और आपको ये मिल जाएगा ठीक है दिस एलिमिनेशन इज यूनिमोलिकुलर कंजुकेट बेस ये भी कौन सी होती है ई वन मतलब दो स्टेप में होती है और आरडीएस स्टेप बच्चों ये होता है इट्स डिपेंड्स अपॉन दिस दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर फ्रॉम द कंजुकेड बेस ऑफ द स्टार्टिंग कंपाउंड द इलेक्ट्रॉन विद ग्रुप कैन बी कार्बोनाइड की नाइट्रोजन एसिड कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल डिहाइड्रोज डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्डोल ठीक है नाउ इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बताइए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आप इस बे जो भी हमने अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है सी एस टी माइनस वन इक्विपलेंट बताओ क्या होगा आप बोलोगे मैम यहाँ पे सी माइनस यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है स्ट्रॉ बेस है मतलब हम एलिमिनेशन करा सकते हैं ईवन ई टू तो यहाँ पे ई वन तो कुछ में दिख नहीं रहा है ई टू होगा ई टू होगा तो कौन सा होगा दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है दैट या तो ये टूटेगा या ये टूटेगा कौन सा कार्बन हाइलोजन बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी टूटेगा दैट इज कार्बन आयोडीन तो आप इसको तोड़ दो इसको रहने दो तो आपको यहाँ पे एक एल्कीन मिलेगी दैट इज बी इज आवर आंसर क्लियर एलिमिनेशन एट कार्बन हाइल्रोजन बॉन्ड ये हो गया आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट गिव दॉट गिवी सी बी कौन सी नहीं देती है तो ईवन सी बी का आपको बताया है वॉट इज द मेन आइडेंटिफिकेशन फीचर दैट आपको एग्रीगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप मिलेगा अब देखो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके पड़ोस वाले कार्बन पे तीन फ्लोरिन है तो ये तो ईवन सी बी देगा ये कार्बन हाइलोजन है इसके पड़ोस में कुछ नहीं है ये कार्बन हेलोजन है इसके पड़ोस में कुछ नहीं है ये कार्बन हेलोजन है ठीक है इसके पड़ोस में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिए हुए हैं इन सब के अंदर इसके पास भी नेगेटिव है ये जो सी है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं रखता दैट मीनस ये वाला क्या देगा आपको इवन सी भी नहीं दे सकता है ठीक है है ना तो यहां पर हो गया हमारा ये आंसर कर लेना इसका सी सी कर लेना है यहाँ पे डी है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिस इज योर होम वर्केशन होमवर्केशन एवरी वन एक आपको रिएक्शन दी हुई है मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है और आपसे मेजर प्रोडक्ट भी वो नहीं पूछ रहा है वो आपसे कुछ और पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है

पूरा कोर्स वाला बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम फोर पी एम एंड यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कोर्स फ्रॉम गिविन डिस्क्रिप्शन लिंक आपके लिंक में जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आप इनरोल कर सकते हो रजिस्टर कर सकते हो और जल्दी से जल्दी करना शुरू कर दीजिए बिकॉज टाइम इज़ रनिंग टाइम निकल रहा है राइट सो थैंक यू एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास हमारी जो नेक्स्ट फाउंडेशन होगा उसमें हम मिलेंगे आपको मेरा सेशन अच्छा लगा समझ में आया जो रिएक्शन मैकेज हमने डिस्कस की प्लीज़ लाइक माई सेशन एंड शेयर इट सो दैट ऑनलाइन और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल कैन गेट नोटिफिकेशन हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सी एस एट केमिकल साइंस ओके ओके स्टूडेंट्स बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम